रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग निकल गए घर से अच्छी थी जल्दी जल्दी सुबह सुबह। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं आयरा के स्कूल पीटीएम अटेंड करने। आज इसका पीटीएम है आयरा फुल ड्रेस अप। तो पहले तो जाएंगे हम मरविन के बैंक क्योंकि चाबियाँ ये साथ लेके आए हैं। भाई साहब जी हमें भी सुबह सुबह उठा दिया, नहीं तो थोड़ा आराम से उठते और जाते। अब फटाफट चलेंगे पहले इन अरविंद के बैंक और फिर जाएंगे आयरा के स्कूल। तो चलते हैं गाइस। गाइस अरविंद तो गए अपने बैंक, तो ये बैंक खोलेंगे और फिर आएंगे। हाँ बैठे गाड़ी में और आप वेट करते हो। तो फाइनली गाइस अरविंद अब आए। देखा बाल लगा मैं भी अंदर अभी तक तो दिखा नहीं ट्रक का। गोलियां नहीं आंदे दिखते बाद में। फाइनली गाइस आयरा का स्कूल आ रहा है, चलते हैं आयरा की पीटीएम अटेंड करके आते हैं। आयरा का स्कूल देखेंगे आज कैसा है। अंदर थोड़ी शूट करने दाओगे? नहीं तो बार बार तो करना चाहिए। जब तक क्लास नहीं आएंगी तब तक शूट हो गई। लड्डी आज क्लास लगेगी लड्डी की। इधर ही पार्क होंगे। लड्डी की क्लास लगेगी आज लड्डी की। लड्डी को आज मार पड़ेगी। जय हो लड्डी की। तो ये है आयरा का स्कूल। तो फाइनली गाइस आयरा की पीटीएम अटेंड हो गई। खुश है ये नलायक है। ये खुश है ये नलायक है पर ये खुश है। शिकायत नहीं मिली इसकी कोई। तो गाइस अभी बज रहे 10 और फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। तो फाइनली बच रहे हैं 2:30 और आयरा की स्टडी चल रही है। सुबह से उसको पढ़ा रही थी, अब उसको फ्री किया तो अब ट्यूशन जा रही है। आज छुट्टी है, जैसे स्कूल से छुट्टी क्या थी, पीटीएम था तो जल्दी आ गए हम लोग। तो मैंने सोचा चलो अभी कभी सो रहा तो फटाफट उसको भेज जाती हूँ ट्यूशन, छोड़ाती हूँ और आते ही तो कभी शायद उठ जाएगा मे भी। तो अभी सोया हुआ तो फटाफट से छोड़ाते हैं। तो बस अब जा रही है ट्यूशन और उसको जल्दी ले आऊँगी, 2:30 छोड़ूंगी तो 5 बजे तक मैं भी ले आऊँगी और तब तक अभी रुक जाएगा। तो चलते हैं गाइस इसको छोड़ के आते हैं ट्यूशन। तो
गाइस फाइनली बच रहे हैं 3 और मैं अभी आयरा को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन, और कबीर अभी भी सोया हुआ है, तो मैं पहले थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से उसको पढ़ा रही थी, है ना, काम कर रही थी घर का। तो सबसे पहले करेंगे हम थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद मैं फिर करूँगी अपनी एडिटिंग। आज एडिटिंग भी नहीं हुई है तो एडिटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, तो करते हैं जल्दी से अपना रेस्ट और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बुलाओ कौन आ गया? तो गाइस अभी बजे शाम के 6:30 और अभी आयरा कोटेशन से लेके आई हूँ। एक्चुअली चले गए थे हम लोग, देखा ही आपने, बिना आंटी के घर चले गए थे, तो बस अभी आए हैं हम लोग। और आते ही अभी मैंने चाय रखी है और शाम की टेंशन ख़त्म, साग आ गया। एक्चुअली उन्होंने मुझे फ़ोन इसलिए किया था कि साग बना ले जाना, मतलब आयरा के ट्यूशन के पास ही है ना उनका घर, तो इसलिए कहते कि आते हुए ले जाइए। तो साग आ गया, उसी को बस तड़का लगा दूँगी और अब करते अपनी एडिटिंग, क्योंकि अभी तक मेरी एडिटिंग नहीं हुई हुई है, और अपनी एडिटिंग करते हैं फिर लगाते हैं साग को तड़का, फिर उसके बाद मैं आयरा को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसको रेडी तो करना पड़ेगा ना, तो चलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी अरविंद आए हैं और हम डायरेक्ट जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि आज सैटरडे है तो मंदिर चलते हैं और माथा टेक के आते हैं। तो गाइस अरविंद और कभी तो कबीर और अरविंद है अंदर और हम चले मंदिर। पहले लेके आते प्रसाद, दिया तो गाइस पहले चलाते हैं हम दिया और उसके बाद अंदर टेकेंगे माथा और वहां भी टेकेंगे माथा। वाओ ये सारे माथा ना दी चले हुए हैं। तो गाइस फिलहाल चला दिए दिए और चलते हैं अब तो माथा टेक के आते हैं। इधर से चढ़ाओ माथा टेक लिया, आप जा रहे हैं हम थोड़ी गेड़ी शेड़ी मार के फिर घर जाएंगे, तो चलते हैं माथे गेड़ी शेड़ी
गर्मी कम हो गई, ठंड कम हो गई। लास्ट महीना था, अगले महीने से थोड़ा मौसम तो सही हो जाता है, धुप्पा चढ़ देनी। गाइस अभी बजे 9:30 और हम लोग घर आ गए थे। फिलहाल मैं चेंज कर लिया और मेरे को पता लगा कि घर में टमाटर नहीं है, तड़का लगाने लगे, तो चलते दोबारा मंडी सब्जी लेकर। तो गाइस इधर ले जा रही है सब्जी और ऑलमोस्ट सारी मंडी जो है वो बंद है, बंद होने वाली है। तो फाइनली गाइस बज रहे रात के 10 और अभी हम सब्जी लेके आए हैं, तो फटाफट से मेहनत लगाते तड़का और खाते हैं रोटी। आज लेट बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग लेट इसलिए हो गए क्योंकि ना एक्चुअली नेट नहीं चल रहा है और 2-3 बारी भैया आ गए हैं चेक करके गए हैं और इनफैक्ट शायद अभी फेर आए, तो काफ़ी लेट हो गई। पहले अकेली थी इसलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम उधर देना पड़ गया और आज सारा काम मेरा लेट हुआ है और इतनी नींद आ रही है ना मेरे को क्योंकि आज सुबह उठी भी जल्दी हूँ। आज सुबह उठी भी जल्दी हैं, दोपहर को भी रेस्ट नहीं हो पाई और कल रात को भी लेट सोई थी मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी और अब फिर मतलब कि लेट हो गए। तो वैसे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो झटपट बन जाएगी, एक साइड तड़का लग जाए एक साइड फुल के बन जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो चलो गाइस फटाफट से बनाते हैं, तड़का लगाते हैं और रोटी खाते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और वाईफाई वाले भैया फिर आ गए, वो वाईफाई ठीक करे और मैं देखो कहाँ बैठ के डिनर कर रही हूँ। देखो हरा साग साथ में रोटी, रोटी ये गरम गरम, कबीर भी आ गया और नीचे बैठी हूँ और रोटी खा रही हूँ। तो गाइस मैं करने लगी अपना डिनर, यहाँ बैठ के मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंदर वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और वो बेडरूम में है और वाईफाई मेन जो है वो बेडरूम में ही लगा हुआ है, तो वो अंदर उसको चेक कर रहे हैं, तो पता नहीं समथिंग कितना टाइम लगेगा और वैसे मैं लेट हूँ, तो इस वजह से मैं किचन में आगे भूख लगी थी जोर की, तो मैंने कहा चलो फटाफट से रोटी खा लेते हैं। तो गाइज मैं अब करने लगी हूँ डिनर, तो मैं यहाँ करती हूँ इस वीडियो का एंड। आई होप कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइज, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस सोचा चलो आपको दिखाई देते हैं कि कैसे जो मेरा नेट है वो ख़राब हुआ पड़ा है, आइए देखो कितना खलारों में जाके गए हैं। अब ये सारा समेटेंगे और इसके बाद सोएंगे। तो चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय गाइस।